देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ही नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर ली पद और गोपनीयता की शपथ। राजस्थान में अशोक गहलोत ने सीएम और सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। भोपाल के जम्बूरी मैदान में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ के शपथ ग्रहण में नहीं लिया हिस्सा। मैनपुरी के वेबर में समाज सेवा नवयुग संस्थान के तत्वाधान में सामान्य ज्ञान और कला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर और उनके साथ नई सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल हुए सचिन पायलट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में और उनके साथ नई सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल हुए सचिन पायलट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कई अन्य विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में जयपुर के अल्बर्ट हॉल में दोनों नेताओं का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले वो चौथे नेता हैं। गहलोत से पहले भैरव सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी तीन तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा, क्योंकि आज तीन राज्यों में उनकी सरकार जो बनी, राजस्थान में अशोक गहलोत ने सीएम और सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जबकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा, क्योंकि आज तीन राज्यों में उनकी सरकार जो बन रही है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने सीएम और सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली और मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं चक्रवाती तूफान फेथाई के चलते आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और NCP नेता शरद पवार समेत कई विपक्षी दिग्गज भी कमलनाथ के शपथ ग्रहण में शिरकत करने पहुंचे। निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी समारोह में शिरकत की। उन्होंने यहां मौजूद तमाम कांग्रेसी और गैर BJP दलों के नेताओं से मुलाकात की। कई मौकों पर वो मुस्कुराते भी दिखे। साथ ही उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ पकड़कर जनता का अभिवादन किया। आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ के शपथ ग्रहण में हिस्सा नहीं लिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वो नहीं आए। हालांकि इसका कोई अभी स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ के शपथ ग्रहण में हिस्सा नहीं लिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन वो नहीं है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। वहीं 1984 के सिख दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद दिल्ली में आप के सांसद भगवंत मान ने मांग की है कि सिख दंगों में कमलनाथ पर भी केस चलना चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।